अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नाला सपरा पूर्व के संतोष भवन की शर्मावाड़ी में टेम्पो चालक की लापरवाही से 5 साल के बच्चे की हुई मौत। परिवार के इकलौते चिराग के बुझने से परिवार में पसरा मातम। कल 30 मार्च को दोपहर के 1:10 के आसपास नाला सपरा पूर्व के संतोष भवन की शर्मावाड़ी में एक टेम्पो ने सड़क पार कर रहे 5 वर्ष के मासूम बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे उस मासूम की जगह पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मरने वाले बच्चे का नाम अंकित गोड़ बताया गया है, जो अपने घर के पास से रोड क्रॉस कर रहा था। अचानक सामने से आए टेम्पो MH04KF8099 ने अंकित को अपनी चपेट में ले लिया। टेम्पो की चपेट में आने से अंकित की जगह पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास जमा हुए लोगों ने मृतक को महानगर पालिका अस्पताल पहुंचाया, जहां अस्पताल के डॉक्टर ने अंकित को मृत घोषित कर दिया। ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि मृतक के पिता महेंद्र गोड़ को 20 साल बाद एकमात्र संतान पैदा हुई थी, जिस इकलौती संतान की इस दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। मामले की जानकारी पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने टेम्पो और टेम्पो चालक को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। संतोष में मेरा नाम वंदना पाल है, मैं संतोष भवन की कार्यकर्ता सिटी से हूँ। और वहाँ से मैं आ रही थी स्कूटी से, वो शर्मावाड़ी से मैं आ रही थी रिटर्न, और ये ट्रांसफार्मर के पास रहते हैं बच्चा। और जब मैं सीधा स्कूटी से आ रही थी तो एक टेम्पो वाला स्पीड में आ रहा था, और वो बच्चा 5 साल का है, नाम तो नहीं पता बट बच्चा 5 साल का मेरे सामने हुआ। वो स्पीड में आ रहा था, लड़का रोड क्रॉस कर रहा था और उसने टक्कर मारा। वो अपने ये ब्रेक पे कंट्रोल नहीं कर पाया और बच्चों को टक्कर मार के भाग रहा था, बट वहाँ की पब्लिक ने पकड़ा। और मैं वहाँ पे थी तो मैंने गाड़ियों जो टेम्पो थी उसका मैंने फ़ोटो भी निकाला, और फिर बाद में मैंने वो जो ड्राइवर था उसको पकड़ के हम लोग रखे, उसका लाइसेंस जब्त किए। देन फिर पुलिस वाले को फ़ोन किया, पुलिस वाला आया और उसको लेके गया। हालांकि जो दुर्घटना वहाँ पे हुई है वो बहुत गंभीर हालात में हुई है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ा, क्योंकि जो हालत थी वो बच्चों की। फिर भी हम थोड़ी सी उम्मीद लेके बच्चों को हॉस्पिटल लेकर आए, ये म्युनिसिपैलिटी नागिनदास में। और वहाँ पे आने के बाद पूरा जो ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बच्चे का डेथ हो गया है। पर मैं इतना चाहती हूँ जो ड्राइवर है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और जो उनकी फैमिली है उनको एक हम लोग को ये सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट मतलब जो बच्चा चला गया है वो तो हमको मिलने वाला है नहीं, पर हम कानून से ये दस्तावेज करते हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए उनकी फैमिली को। क्यों? क्योंकि वो जो आंटी है उनको 20 साल के बाद वो बच्चा पैदा हुआ था, एक ही बच्चा था उनको। मेरा भी भाई है, वो मेरे भाई जैसा ही था, छोटा है, 5 साल का है, वो किसी फैमिली मेम्बर का बच्चा है। तो मुझे न्याय चाहिए कि वो बच्चे को न्याय मिले और उनकी फैमिली को जितना हो सके सब सपोर्ट करे। और कानून से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके मुझे न्याय चाहिए, और वो ड्राइवर को जितना कड़ी से कड़ी हो सके सजा चाहिए। ये नहीं कि पैसा लेने के बाद उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं करना। पैसा घूस खा लो और पैसा छोड़ दो, ऐसा नहीं चाहिए। मुझे न्याय चाहिए और वो बच्चों को न्याय मिलना ही चाहिए। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।